तीसरे दौर के मतदान की जो पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ। यादव लैंड ये पूरा का पूरा इलाका जहां पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया था और 59 में से 49 सीटें उसने अपने नाम कर ली थी। 3 दशक में ये पहली बार था जब किसी पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत इस पूरे के पूरे हिस्से में मिला हो। लेकिन इस बार करहल सीट से अखिलेश यादव खुद चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आज वहां पर भी उनकी किस्मत का फैसला करहल की मतदाता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का क्या होगा आसपास असर और आज के मतदान को लेकर जनता में कितना दिखा उत्साह, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद लखनऊ से इसी मुद्दे पर चर्चा की करेंगे शुरुआत। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनका परिचय आपसे करवाऊं, उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कहने के लिए तो तीसरे चरण के रण में कई वीआईपी चेहरों की किस्मत दांव पर है। केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा दांव पर है। लेकिन सही मायने में तीसरे चरण में साख की भी लड़ाई है, नाक की भी लड़ाई है और थाक की भी लड़ाई है, क्योंकि तीसरे चरण में यादव लैंड की जंग है। यादव लैंड क्यों कहा जा रहा है उसे इस तरह से समझिए कि तीसरे चरण में 16 जिलों की जिन 59 सीटों पर जंग है, इनमें से 7 जिले ऐसे हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ माना जाता था। ये जिले हैं फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा और औरैया। सबसे पहले बात मैनपुरी की। मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और अखिलेश के सामने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल बीजेपी के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी इस सीट को सुरक्षित सीट मानती रही है क्योंकि करीब 3,71,000 मतदाताओं में 1,25,000 से ज्यादा मतदाता यादव हैं। बीजेपी पूरा दम लगाए हुए है कि अखिलेश को उनके गढ़ में मात दी जाए। लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है। लोगों ने कहा सब एसपी सिंह बघेल बन गए हैं क्योंकि वो कहते हैं हम बारूद तो थे, तोप नहीं मिली थी, तो तोप मिल गई है, तो तोप कुछ नहीं होती, लोहा होती है, वो दिशा और दशा तय करती है, तो निशाना बिल्कुल सही लग रहा है और जनता को अपने 50 साल के उत्पीड़न का एक अवसर मिला है। मुझे लगता है वो खो नहीं रहे। मुझे तो एक गांव में एक व्यक्ति ने यह कहा कि अगर आज हम अखिलेश यादव को हरा देंगे तो 20 साल बाद हमारे नाती कहेंगे कि जिस सेफी का केला गिरा था तो हमारे बाबा ने भी कुछ ईंटें उखाड़ी थी, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो 20 साल बाद भी हमको ये गाली मिलेंगी जब किसी लड़की का दुपट्टा छिनेगा, प्लॉट पे कब्जा होगा या किसी का अपहरण होगा कि 2022 में आपने कमजोरी दिखाई, इसकी वजह से ये हमें बसियत में आप आतंक भी देके जा रहे हैं। करहल तो एक किनारा है, अखिलेश यादव को चुनाव का लंबा दरिया पार कर दूसरी ओर जाना है और ये चुनावी यात्रा आसान नहीं रहने वाली है। बीजेपी तमंचावाद, परिवारवाद से लेकर आतंकवाद तक समाजवादी पार्टी की राह मुश्किल करने में लगी है। पहले आतंक को संरक्षण दिया हो, अपराधियों को संरक्षण दिया हो, अहमदाबाद बम धमाकों से सीधे तार पर समाजवादी पार्टी के जुड़े हों, आखिरकार आतंकी परिवार का समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्या है? अखिलेश यादव जी की बोलती बंद क्यों है? क्योंकि आतंकियों के अब्बाजान समाजवादी के भाईजान। तो यूं समझिए कि यादव लैंड की जंग एक तरफ से माइंड गेम की लड़ाई है। करहल के बाद बात दूसरी हॉट सीट की जो है इटावा में ही जसवंत नगर। यहां से शिवपाल यादव चुनावी समर में हैं और उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने विवेक शाक्य को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि अखिलेश और शिवपाल दोनों बड़े अंतर से करहल और जसवंत नगर में जीत दर्ज करेंगे। अखिलेश सरकार हो रहा खूब, अरे अखिलेश जीते 1,00,000 रुपया, 1,00,000 वोट। चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष 59 में 59 सीटें जीतेंगे। आप देख लीजिए हाथरस से लेके कानपुर देहात तक हाथरस 3 सीटें जीत रहे, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, इन 10 जिलों में बीजेपी जो है इट इज गोइंग टू लूज एवरी सीट। दावे तो अपने हैं ही, मगर बताना ये भी जरूरी है कि कहने के लिए भले ही यादव लैंड है मगर सच्चाई ये है कि 2017 के चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया था। 2017 के चुनाव में यादव लैंड की 25 विधानसभा सीटों में से 19 पर बीजेपी का कब्जा रहा, जबकि 6 सीटें ही समाजवादी पार्टी को मिली।
बात अगर तीसरे चरण की हो तो भी आंकड़े बीजेपी के पक्ष में ही हैं। 2017 में तीसरे चरण में बीजेपी ने 59 में 49 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी के हिस्से 8 सीटें आईं और कांग्रेस ने 1 और बीएसपी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। यूपी चुनाव में अभी तो सिर्फ 3 मोर्चे निपटे हैं, अभी तो 4 चरणों का चुनाव बाकी है, अभी कई और झांकियां बाकी हैं, अभी और लड़ाई बाकी है। मगर देखना दिलचस्प होगा कि यादव लैंड की जंग 2017 में हारने वाली समाजवादी पार्टी क्या वापसी करेगी या बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहराएगी। सफाई से मौसमी सिंह, अर्पिता आर्या, अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, करहल, आज तक।